अब जो उसके साथ का ही हम एक एग्जांपल करेंगे, जैसे हमने अभी 11 का रूल किया है, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट क्या है, चेक वेदर द नंबर 21285 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। मुझे क्या करना है, मुझे जो ये नंबर गिवन है 21285, इसको चेक करना है क्या ये डिविजिबल है किससे, 11 से। तो मैंने अभी आपको रूल बताया था, क्या रूल था कि इसके क्या लिख लो, देख लो, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। क्या रूल था 11 को, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। अब मैं अगर ध्यान दूँ, इवन वाले देखो, इवन वाले कौन से हैं, वन प्लस, फिर इसके बाद एट हो गया, इसमें से किसको माइनस करूँ, ओड पे, ओड पे कौन से हैं, टू, इधर से टू, टू प्लस टू, और लास्ट में क्या है, फाइव। अब आप देखो, वन प्लस एट नाइन, और इधर भी 4 प्लस 5 नाइन, इनका सम क्या आ गया, जीरो। और रूल हमारा क्या कहता है कि 11 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, या तो क्या हो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो जीरो आए, या फिर वो जो आए नंबर वो 11 से क्या हो, डिविजिबल। तो इस सम में हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा जो रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी सब्ट्रैक्शन करने पे जीरो आ गया, यानी द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यानी ये जो नंबर हमने लिया था 21285, ये किससे हो गया, डिविजिबल हो गया 11 से। अब आपका जो आज का काम है, आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, चेक वेदर द नंबर आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। मतलब मैंने आपको क्या दिया, ये दो नंबर दिए हैं, दिस और दिस, आपको चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट क्या है, और दूसरा सम क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर फॉर्म एक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 3। ये टू सम्स आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम कौन सा रूल करते हैं।